प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं जब भी कोई काम एट दिस मोमेंट हो रहा हो या इन दिनों हो रहा हो। एट दिस मोमेंट से मुराद राइट नाउ, अभी अभी, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरी वीडियो अभी अभी देख रहे हो, ठीक है। और इन दिनों से मुराद ये है कि मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ काफ़ी महीनों के बाद, और मैं उससे पूछता हूँ आजकल तुम क्या कर रहे हो, और वो बोलता है कि मैं आजकल मैं नॉवेल लिख रहा हूँ। वो नॉवेल मेरे सामने तो नहीं लिख रहा या उस वक़्त तो नहीं लिख रहा, लेकिन वो आजकल नॉवेल लिख रहा है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं एट दिस मोमेंट, जो अभी अभी काम हो रहा हो या इन दिनों जो काम हो रहा हो। उर्दू में इन सेंटेंसेस के एंड में आता है रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, आफ्ताब चाय पी रहा है, वो खाना पका रही है, वो पार्क जा रहे हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस SMR प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आपने ING ऐड करना है और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपको पता होगा, सब्जेक्ट होता है जो काम करता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे कि आई, यू, वी, अली एंड सना, ही, शी, सलमान, एट, काव। अब हम देखते हैं इज एम आर कौन कौन से सब्जेक्ट के आगे लगता है, मतलब आई के साथ कौन सा लगेगा, यू के साथ कौन सा, वी के साथ कौन सा। तो ये हम देखते हैं। ये जो एम लगता है, वो एम लगता है खाली एक के साथ, वो लगता है आई के साथ, आई एम। और ये जो यू होता है, यू के आगे हम लगाते हैं आर, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ठीक है। और वी के आगे हम लगाते हैं आर, और अगर दो बंदे हों, एक से ज़्यादा हों, दो हों, तीन हों, चार हों, तो उसके लिए भी हम आर यूज़ करते हैं, जैसे कि अली एंड सना, ठीक है। और बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जैसे कि ही एक बंदे को कहते हैं, शी एक बंदी को कहते हैं, और ये जो सलमान लिखा है, सलमान थर्ड पर्सन है, ठीक है। जब भी हम किसी बंदे का नाम लेते हैं, इसका मतलब वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। या तो कोई थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर चीज़ हो, मतलब जिसके अंदर जान ना हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो कोई सिंगुलर एनिमल हो, तो उसके लिए भी हम इस यूज़ करते हैं। हम इन्हीं के ऊपर अब सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वर्ब के बारे में बता दूं। यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ करना फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जैसे कि गो, गोइंग, ING हमने ऐड कर देना, ठीक है। और जैसे ही हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के आगे हम ING ऐड करते हैं, तो इसे वर्ब के फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी कह सकते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं इस वर्ब को। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे इन्हीं सब्जेक्ट्स और इन्हीं SMR को फॉलो करते हुए। जैसे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउटसाइड, तुम गेम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग गेम, हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, वी आर बियरिंग यू, अली और सना नया घर खरीद रहे हैं, अली एंड सना आर बाइंग अ न्यू हाउस, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही है, शी इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सलमान कस्टमर से डीलिंग कर रहा है, सलमान इज डीलिंग टू कस्टमर्स, गाय घास खा रही है, काव इज ईटिंग ग्रास। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, एक सेंटेंस को चार तरीके से यूज करना। फर्स्ट अफर्मेटिव, मतलब सिंपल सेंटेंस, और इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, नेगेटिव इंकारिया जुमले, और इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया जुमले। इंटेरो नेगेटिव, इसका मतलब ये कि सवाल भी होगा और इंकार भी होगा इस सेंटेंस के अंदर। अब हम इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम इस फॉर्मूलाज को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे इसके ऊपर। पहले हम सेंटेंसेस बनाएंगे अफर्मेटिव के ऊपर। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। और पहला सेंटेंस बनाते हैं, मैं नंबर मिला रहा हूँ, आई एम डायलिंग नंबर। दूसरा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, यू आर चेजिंग मी। तीसरा,
वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाएंगे। पहला है, मैं नंबर नहीं डायल कर रहा हूँ, आई एम नॉट डायलिंग नंबर। तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट चेजिंग मी। वो खाना नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग फूड। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब सवालिया जुमलों में, ठीक है। पहला था हमारे पास, मैं नंबर मिला रहा हूँ, मैं नंबर नहीं मिला रहा हूँ। अब हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो बनेगा, क्या मैं नंबर मिला रहा हूँ, एम आई डायलिंग नंबर। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, आर यू चेजिंग मी। क्या वो खाना खा रहा है, इज ही ईटिंग फूड। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। इसका मतलब ये हुआ, सवालिया जुमले तो होंगे लेकिन उनके अंदर इनकार भी होगा। जैसे कि, क्या मैं नंबर डायल नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट डायलिंग नंबर। क्या तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट चेजिंग मी। क्या वो खाना नहीं खा रहा है, इज ही नॉट ईटिंग फूड। अब हम प्रैक्टिस करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे जो हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग टू मी। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट लाइंग टू मी। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, Are you lying to me? क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, Are you not lying to me?